हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। आज रात को मैं आप लोगों को टेस्ट लूँगा और कल जो है इसका आंसर शीट मैं आप लोगों को दे दूँगा वीडियो के माध्यम से। और आज जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर इस 10 में से अगर आप 10 सही कर लेते तो मैं समझूँगा कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी तरह जो है तैयारी करते हैं। अगर आप 5 से 6 करते हैं तो वो भी सही है, अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2, 3, 4 अगर में लटक जाएंगे तो आपका तैयारी बिल्कुल सही नहीं है। तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए, आपको मैं 1 से लेकर जितने चैप्टर है वो सारा चैप्टर का मैं इसी तरह से टेस्ट लूँगा और मैं आंसर क्वेश्चन देता रहूँगा। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र अभ्यास 1 का है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे, आज ज्योग्राफी का टेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं आप लोग को, तो इसका आंसर शीट मैं कल आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं जल्द से देने की कोशिश करूँगा। तो आज आप लोग टेस्ट दे रहे हैं 10 क्वेश्चन का, अगर 10 में 10 अगर आप लोग का सही हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप 4, 3, 2 में अगर लटक जाएंगे तो फिर आपका तैयारी अच्छी नहीं है। तो इस चैनल पर जुड़े ही रहिएगा, बिना टाइम वेस्ट करते पहला क्वेश्चन है, एलांसी सैंपल किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए है, बी, सी, डी। तो देख लेते संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं अगर जानते होंगे तो, अगर नहीं तो फिर मैं कल इसका जो है आंसर शीट लेकर आऊँगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा है, कौन सा तत्व भौतिक वातावरण का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ए है जलवायु, बी है धरातल, सी है कृषि, डी है जल। तो अगर आप लोग जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप वीडियो के थ्रू दे सकते हैं जवाब। फिर अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं स्किप करके। तो अगला क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुकी है, देख पा रहे होंगे, भूगोल की कौन सी उपशाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर जानते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, ए भी आपका दिया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल डी लॉब्लॉस ने किस उपागम का सर्वप्रथम, सॉरी विडाल डी लॉस ब्लॉस ने किस उपागम का समर्थन किया। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, ए है निश्चयवाद, बी है संभावनावाद, सी है मानववाद, डी है कल्याणवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दे दीजिएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्किप करके। तो आ चुकी है, क्या है, किस विषय को ज्ञान की जननी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति। तो आप इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं। तो किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के तहत आप ए बी सी डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आज 7वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सांस्कृतिक वातावरण का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए है ग्राम, बी है नगर, सी है पत्तन, डी है जलवायु। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, कल जो है फाइनली मैं इसका आपको रिजल्ट दे दूंगा कितना आपका सही है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह से है जो है हर चैप्टर बाई चैप्टर आपको वीडियो आता रहे। 8वां क्वेश्चन है, क्या है, किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज की गई। किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं, ए बी सी डी आपका दिया हुआ है, अब पढ़ करके इसको, गुरुत्वाकर्षण है, घर्षण है, डीएनए गति का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब फिर अगला, वैज्ञानिक मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए है सामाजिक भूगोल, बी है नगरीय भूगोल, सी है जनसंख्या भूगोल, डी है आर्थिक भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, 10वां, उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ए है
क्षेत्रीय विभिन्नता, बी है क्षेत्रीय संगठन, सी है व्यवहारिक, डी है प्रादेशिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दे सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक। अगर इस तरह की वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और जल्दी से जल्दी शेयर करना। अगर अच्छा नहीं लगे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा किस तरह से वीडियो लेकर आए कि आप लोग को अच्छा लगे। तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दूसरा चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए।